लिबर ऑफिस कैल्क के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में निम्न के बारे में सीखेंगे। लिबर ऑफिस कैल्क के परिचय के बारे में, लिबर ऑफिस कैल्क में विविध टूल बार्स के बारे में, कैल्क में नया डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करें, मौजूद डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करें, कैल्क में डॉक्यूमेंट सेव और बंद कैसे करें, लिबर ऑफिस कैल्क लिबर ऑफिस सूट का स्प्रेडशीट घटक है। जिस तरह राइटर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ व्यापक रूप से कार्य करता है, स्प्रेडशीट संख्यात्मक इन्फॉर्मेशन के साथ व्यापक रूप से कार्य करता है। यह संख्याओं की भाषा के लिए एक सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है। यह फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, अतः यह कॉपी, पुनः उपयोग और वितरित मुफ्त में किया जा सकता है। लिबर ऑफिस सूट के साथ शुरुआत के लिए आप या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 और या इसके उच्च वर्जनों जैसे एमएस विंडोज एक्सपी या एमएस विंडोज 7 का उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जीएनयू लिनक्स का उपयोग कर सकते हैं। यहां हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटू लिनक्स वर्जन 10.04 और लिबर ऑफिस वर्जन 3.3.4 का उपयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं है, कैल्क सिनेप्टिक पैकेट मैनेजर का उपयोग करके संस्थापित किया जा सकता है। सिनेप्टिक पैकेट मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट से उबंटू लिनक्स ट्यूटोरियल का अनुकरण करें और इस वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का अनुकरण करके लिबर ऑफिस सूट डाउनलोड करें। पूर्ण निर्देश लिबर ऑफिस सूट के पहले ट्यूटोरियल में उपलब्ध है। याद रखें कि जब संस्थापन कर रहे हो, कैल्क के लिए कंप्लीट संस्थापन का उपयोग करें। यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट पहले से ही संस्थापित है, आप स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में एप्लीकेशंस ऑप्शन और फिर ऑफिस और फिर लिबर ऑफिस ऑप्शन पर क्लिक करके लिबर ऑफिस कैल्क पाएंगे। विभिन्न लिबर ऑफिस घटकों के साथ एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है। लिबर ऑफिस कैल्क एक्सेस करने के लिए नए डायलॉग बॉक्स में स्प्रेडशीट घटक पर क्लिक करें। यह मुख्य कैल्क विंडो में एक खाली डॉक्यूमेंट खोलेगा। अब चलिए कैल्क विंडो के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं। कैल्क में डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में स्प्रेडशीट नामक कई शीट होती हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट में सेल्स, रोज और कॉलम में व्यवस्थित होती हैं। प्रत्येक रो संख्या के द्वारा और प्रत्येक कॉलम एक अक्षर के द्वारा निर्धारित है। एक विशेष सेल जो रो और कॉलम के एक इंटरसेक्शन को संदर्भित करती है, इसकी उपयुक्त रो संख्या और कॉलम अक्षर के द्वारा पहचान होती है। सेल्स फेरबदल और प्रदर्शन के लिए कई अधिक डेटा एलिमेंट्स और टेक्स्ट संख्याएं सूत्र जैसी जानकारी रख सकती हैं। प्रत्येक स्प्रेडशीट में कई शीट्स होती हैं और प्रत्येक शीट में एक मिलियन से कुछ अधिक रोज और 1000 कॉलम्स हो सकते हैं, जो कि हमें एक सिंगल शीट में 1 बिलियन से अधिक या 100 करोड़ सेल्स प्रदान करती हैं। कैल्क विंडो में विविध टूल बार्स होते हैं, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार, फॉर्मेटिंग बार, फॉर्मूला बार और स्टेटस बार। इस टूलबार्स के अलावा यहाँ ऊपर नेम बॉक्स और इनपुट लाइन नामक दो अतिरिक्त फील्ड्स हैं। टूलबार्स सबसे अधिक उपयोगी ऑप्शंस को समाविष्ट करते हैं, जिन्हें हम आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब आप स्प्रेडशीट के बाएं किनारे पर शीट 1, शीट 2 और शीट 3 नामक तीन शीट टैब्स देख सकते हैं। यह टैब्स व्हाइट टैब युक्त विजिबल शीट के साथ प्रत्येक व्यक्तिगत शीट के लिए एक्सेस सक्षम बनाते हैं। अन्य शीट टैब पर क्लिक करके वह विशेष शीट दिखाता है और वह टैब सफेद में बदल जाता है। स्प्रेडशीट का मुख्य भाग वह है जहां ग्रिड के फॉर्म में विविध सेल्स युक्त डेटा एंटर होता है। प्रत्येक सेल कॉलम और रो के इंटरसेक्शन पर है। कॉलम्स के टॉप में और रोज के बाईं ओर के आखिर में अक्षरों और नंबर्स युक्त ग्रे बॉक्सेस की श्रृंखला हैं। ये कॉलम और रो हेडर्स हैं। कॉलम ए पर शुरू होता है और राइट की ओर जाता है, तथा रोज 1 पर शुरू होकर नीचे की ओर जाती है।
ये कॉलम और रो हेडर्स सेल संदर्भ बनाते हैं, जो नेम बॉक्स फील्ड में दिखाई देते हैं। कैल्क में विविध घटकों के बारे में सीखने के बाद हम अब सीखेंगे कि लिबर ऑफिस कैल्क में नया डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करें। आप स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू आइकन पर क्लिक करके या मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके और आखिर में स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में नया कैल्क विंडो ओपन होता है। अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर कैसे बनाएं। चलिए देखते हैं कि स्प्रेडशीट में कुछ सेल्स में डेटा एंटर कैसे करें। अतः स्प्रेडशीट की पहली शीट में सेल संदर्भित A1 पर क्लिक करें। चलिए हेडिंग SN टाइप करते हैं, जो कि विषय के सीरियल नंबर को संबोधित करता है, जिसे हम स्प्रेडशीट में प्रदर्शित करेंगे। अब सेल संदर्भित B1 पर क्लिक करें और अन्य हेडिंग आइटम्स टाइप करें। सभी आइटम के नाम इस हेडिंग में होंगे, जिनका हम स्प्रेडशीट में उपयोग करेंगे। उसी तरह एक के बाद एक C1, D1, E1, F1 और G1 सेल्स पर क्लिक करें और क्रमानुसार कॉस्ट, स्पेंट, रिसीव्ड, डेट और अकाउंट हेडिंग लिखें। हम बाद में इन प्रत्येक कॉलम्स में डेटा इंसर्ट करेंगे। एक बार आपकी स्प्रेडशीट लिखकर हो जाए, आपको इसे भविष्य में उपयोग के लिए सेव करना चाहिए। इस फाइल को सेव करने के लिए मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, जहां आपको नेम फील्ड में आपकी फाइल का नाम एंटर करना आवश्यक है। अतः पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर फाइल नाम एंटर करें। नेम फील्ड के नीचे आपके पास सेव इन फोल्डर फील्ड है, जहां आपको फोल्डर का नाम एंटर करना आवश्यक है, जो आपकी सेव की हुई फाइल में समाविष्ट होगा। अतः सेव इन फोल्डर फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें। फोल्डर ऑप्शंस की एक सूची दिखाई देती है। यहां हम फोल्डर चुन सकते हैं, जहां हम अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अतः फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी। अब डायलॉग बॉक्स में फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपको फाइल टाइप ऑप्शंस या फाइल एक्सटेंशन की सूची दिखाता है, जिसमें आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। लिबर ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से फाइल टाइप ODF स्प्रेडशीट है, जो .ods एक्सटेंशन प्रदान करता है। ODF का अर्थ है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड है। .ods फॉर्मेट में सेव करने के अतिरिक्त, जो कि लिबर ऑफिस कैल्क में खुल सकता है, आप अपनी फाइल .xml, .xlsx और .xls फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, जो कि MS ऑफिस एक्सेल प्रोग्राम में खुल सकती है। .csv अन्य प्रचलित फाइल एक्सटेंशन है, जो अधिकतर प्रोग्राम्स में ओपन होता है। इसका उपयोग प्रायः टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में स्प्रेडशीट डेटा को संचित करने के लिए किया जाता है, जो कि फाइल का साइज बहुत अधिक कम करता है और आसानी से स्थानांतरित होता है। हम ODF स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि ODF स्प्रेडशीट और कोष्ठक में .ods फाइल टाइप ऑप्शन के ठीक आगे प्रदर्शित होता है। सेव बटन पर क्लिक करें। यह आपको टाइटल बार पर आपके पसंद के फाइल नेम और एक्सटेंशन के साथ कैल्क विंडो पर वापस लाता है। उपयुक्त चर्चित फॉर्मेट्स के अतिरिक्त स्प्रेडशीट .html फॉर्मेट में भी सेव की जा सकती है, जो कि वेब पेज फॉर्मेट है। यह उसी तरह हुआ है, जैसा कि पहले समझाया गया है। तो मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें। अब फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर HTML डॉक्यूमेंट और ब्रेसेस के भीतर पर openoffice.org/calc ऑप्शन पर क्लिक करें। यह ऑप्शन डॉक्यूमेंट में .html एक्सटेंशन देता है। सेव बटन पर क्लिक करें। अब डायलॉग बॉक्स में आस्क व्हेन नॉट सेविंग इन ODF फॉर्मेट ऑप्शन को चुनें। आखिर में कीप करंट फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि .html एक्सटेंशन में डॉक्यूमेंट सेव हो गया है।
इस फॉर्मेट का उपयोग तब किया जाता है जब हम अपनी स्प्रेडशीट को वेब पेज के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसे वेब ब्राउजर प्रोग्राम के द्वारा ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पहले के अनुसार स्थान का चुनाव कर लें जहां आप सेव करना चाहते हैं। विकल्प के रूप में आप मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करके भी यह कर सकते हैं। दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। एक पीडीएफ फाइल बनेगी। चलिए फाइल और फिर क्लोज पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट को बंद करें। आगे हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस कैल्क में मौजूदा डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करें। एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए सबसे ऊपर मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। यहाँ वह फोल्डर ढूंढें जहाँ आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव किया है। अतः डायलॉग बॉक्स के बाएं किनारे पर स्मॉल पेंसिल बटन पर क्लिक करें। यहाँ टाइप अ फाइल नेम है। यह लोकेशन बार फील्ड को ओपन करता है। यहाँ फाइल का नाम टाइप करें जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अतः हम फाइल का नाम पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर टाइप करते हैं। अब दिखाई देने वाली फाइल नेम्स की सूची में से पर्सनल फाइल ट्रैकर .ods चुनें। अब ओपन बटन पर क्लिक करें। आप देखें कि फाइल पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर .ods ओपन होती है। विकल्प के रूप में सबसे ऊपर टूल बार में ओपन आइकन पर क्लिक करके और आगे की प्रक्रिया उसी तरह करके आप मौजूदा फाइल को ओपन कर सकते हैं। आप फाइल्स को .xls और .xlsx एक्सटेंशन में भी ओपन कर सकते हैं जो कैल्क में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा उपयोगित है। आगे आप देखेंगे कि उसी फाइल नेम के तहत फाइल में परिवर्तन कैसे करें और इसे सेव कैसे करें। अतः चलिए बोल्ड हेडिंग्स बनाकर फाइल में बदलाव करते हैं और फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। तो पहले सेल संदर्भित A1 पर क्लिक करें। माउस के बाएं बटन पर क्लिक करके SN, Cost, Spent, Received, Date और Account हेडिंग्स चुनें और फिर इसे सभी हेडिंग्स के साथ ड्रैग करें। यह टेक्स्ट को चुनेगा और इसे चिन्हांकित करेगा। अब बाएं माउस बटन को छोड़ दें। टेक्स्ट अभी भी चिन्हांकित होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड टूल बार में बोल्ड आइकन पर क्लिक करें। हेडिंग्स इस प्रकार बोल्ड होती हैं। अब चलिए हेडिंग्स का फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। अतः हेडिंग्स को चुनें और फिर टूल बार में फॉन्ट साइज फील्ड पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू में 14 चुनें। तो आप देखें कि हेडिंग्स का फॉन्ट साइज बढ़ गया है। अब हमारे द्वारा उपयोगित फॉन्ट स्टाइल बदलते हैं। अतः फॉन्ट नेम फील्ड में डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर बिट स्ट्रीम चार्टर फॉन्ट नेम को चुनें। आवश्यकता अनुसार बदलाव करने के बाद सेव आइकन पर क्लिक करें। आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर दिया और आप इसको बंद करना चाहते हैं तो केवल मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपकी फाइल को बंद करता है। अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। हमने निम्न सीखा है संक्षेप में। लिबर ऑफिस कैल्क का परिचय, लिबर ऑफिस कैल्क में विविध टूलबार्स, कैल्क में नया डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करें, मौजूदा डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करें, कैल्क में डॉक्यूमेंट सेव और बंद कैसे करें, व्यापक नियत कार्य, कैल्क में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करें, स्प्रेडशीट practice.ods नाम में इसे सेव करें, सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी के रूप में हेडिंग्स लिखें, हेडिंग्स को रेखांकित करें, हेडिंग्स का फॉन्ट साइज 16 तक बढ़ाएं, फाइल को बंद करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाते हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट
पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें contact@spoken-tutorial.org पर संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।